जिनके बारे में आरोप लगाया गया वो कोई दूध के धोए हुए व्यक्ति हैं क्या? बिहार सरकार न बचाते हैं न फंसाते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी विधायक राजू सिंह पर जो आरोप लगे हैं अपहरण को लेकर, राजद नेता के, जिसको लेकर बीजेपी विधायक अभी फरार चल रहे हैं, इसको लेकर जब हमने सवाल पूछा कि क्या कुछ कहेंगे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दोहरी नीति नहीं चलेगी सरकार की, सत्ता के दबाव में ये कार्य किया जा रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए, और जिनके द्वारा आरोप लगाया गया वो दूध के धुले हुए नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप वो सुनिए। लगाया कि आरजेडी नेता का अपहरण किया गया है और प्रशासन है वो कार्रवाई करने में जुटी है, छापेमारी कर रही है आपकी एमएलए की गिरफ्तारी के लिए। देखिए, आरोप लगाया गया है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सत्यता को और एक पक्षीय काम न हो। आज यहाँ पर तो यहाँ के बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी पर लिखित, मृतक के परिवार साहनी समाज के राहुल साहनी के पिता ने आरोप लगाया, लिखकर एफआईआर के लिए दिया, हम लोग महाधरना भी दिए, जा कर के यहाँ के पदाधिकारी से मिले, आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? सदन के अंदर मामला उठा कि उसके पुत्र के बाद उसके दामाद को मारने की धमकी दी गई केस उठाने के लिए, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिहार सरकार न बचाते हैं न फंसाते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करे तो दिखाई पड़े, विरोधी को तंग करेंगे, परेशान करेंगे और सत्ताधारी दल को बचाएंगे, ये दोहरी नीति कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता भी देख रही है। प्रशासन करेगी, नियुक्ति करेंगे। मैं तो बता दिया, जो सरकार इस तरह की मानसिकता की भाव से चलता है और इस तरह के वातावरण बनाता है, मैं तो हमेशा कहते हैं कि गलत के साथ गलत हो लेकिन एक पक्षीय नहीं हो। जिनके बारे में आरोप लगाया गया वो कोई दूध के धोए हुए व्यक्ति हैं क्या? उनके भी खंगाले जाएं, सच्चाई की जांच करनी चाहिए। और जिस मंत्री पर आज तक एफआईआर नहीं हुआ है उसकी भी तो जवाब देनी चाहिए। यहाँ के प्रशासन का हाथ पांव क्यों फूल गया? एक्शन लेने में, कार्रवाई करने में आज एक्शन दिखाई पड़ रही है। सत्ता के दबाव में हस्तिनापुर के गुलाम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाहन नहीं करेंगे तो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब मंत्री इसराइल मंसूरी पर आरोप लगे थे तब ये क्यों नहीं हुआ, तब एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, और अब जब बीजेपी विधायक पर आरोप लगे तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, जांच होनी चाहिए और सत्ता के दबाव में कार्य किया जा रहा है जिसका बीजेपी और जनता जवाब देगी। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।